हेलो एविएशन लवर्स, दोस्तों कैसे हो आप सब गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। फाइनली विस्तारा एयरलाइंस ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम कैबिन क्रू। दोस्तों तो अगर आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री में बनना है कैबिन क्रू, या इसे आप बोल सकते हो एयर होस्टेस, तो दोस्तों ये वैकेंसी का अपडेट आपके लिए रहने वाला है। गाइस डिस्कस करेंगे कब कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन कैसे लेना है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे और तैयारी कैसे करनी है, सारी की सारी चीजों को आज बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो दूसरी चीज बता दूं कि एयरलाइंस ज्वाइन करने के लिए, एयरपोर्ट में नौकरी पाने के लिए किसी भी डिप्लोमा या मैनेजमेंट या एविएशन हॉस्पिटलिटी कोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आपका पैसा डूब जाएगा और आपका समय वेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, वहां जाना है, वैसे फॉर्म फिलअप करना है और दोस्तों आपको दे देना है इंटरव्यू। दोस्तों सबसे मजेदार बात क्या है कि विस्तारा एयरलाइंस जो मेल फीमेल दोनों की हायरिंग करती है। तो दूसरी चीज बता दूं कि विस्तारा एयरलाइंस में कोई ट्रेनिंग फीस नहीं लगती। तो अगर आप इस एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपको कोई ट्रेनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको देना है सिर्फ एक इंटरव्यू, सिलेक्शन लेना है और ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाएगी विस्तारा एयरलाइंस। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ डिस्कस करें नेक्स्ट इसके बारे में, तनख्वाह कितनी मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में। हाँ उसमें कुछ पैसे कटेंगे लेकिन डोंट वरी, 40,000 आपको इन हैंड आ ही जाएगा। बात करते हैं और क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों आपको जो है कैब की फैसिलिटी मिलेगी, आप जो है ट्रैवल कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह। प्लस दोस्तों इसी एयरलाइंस में आगे ग्रोथ भी कर सकते हो और थोड़ा दिमाग वाले हो, शातिर आदमी, तो आप इसी एयरलाइन से पायलट भी बन सकते हो फ्यूचर में। समझ में आ गया। जैसे विस्तारा एयरलाइंस, दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि विस्तारा एयरलाइंस में कोई जीडी नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। तो अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम है दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप आराम से जो है कैबिन क्रू का इंटरव्यू आराम से निकाल पाओगे। दोस्तों बहुत सारे बोलते हैं कैबिन क्रू एयरलाइंस अलग अलग है, नहीं दोस्तों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोस्तों बिना किसी वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। जैसे गाइस ये विस्तारा एयरलाइंस का इंटीरियर, यहाँ पे विस्तारा एयरलाइंस का जो है दोस्तों ये पैसेंजर वगैरह शायद से बात कर रहे हैं लोग, राइट ये राइट समझ में आ गया आप लोगों को। नीचे आ रहे दोस्तों डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में। दोस्तों ये है इस तरह के सब काम करेंगे, राइट ये बंदा ये अलग ही कुछ फोकस कर दे रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज, दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए क्योंकि इसमें आपको मिलते रहेगी जॉब की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट अपडेट। दोस्तों अगर आपको वीडियो की ऐसी लगातार जेन्युइन जॉब अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे लगातार मोटिवेशन एंड न्यू जॉब अपडेट की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर न्यू बैच। गाइस माय नेम इज आशीष कुमार साहू, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एविएशन लाइफ। और दोस्तों अब तक मेरे क्लासेस की हेल्प से 400 से भी ज्यादा लोग सेलेक्ट हो चुके हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों हमारे क्लासेस आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, प्लस मिलेगी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 15 से 20 दिन की मास्टर क्लासेस जिसमें आपको लाइव बैठा के ट्रेन करूंगा और बताऊंगा कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। प्लस दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया प्लस अब्रॉड कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे बैठे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एयरलाइंस ज्वाइन करने सिर्फ आपको निकालना है इंटरव्यू और कुछ नहीं करना, और उसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कराते हैं। दोस्तों आपको मिलेगा रेफरेंस भी दिया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, पीडीएफ रहेगा, नोट्स रहेगा, सर्टिफिकेशन रहेगा और एक और सीक्रेट फॉर्मूला रहेगा जो कि दोस्तों आपको क्रैश कोर्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में जो कि 7999508444। दोस्तों अगर आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड लेक्चर भी चाहिए इंक्लूडेड तो वो भी अभी मिल रहा है, लेटर ऑन वो बाद में नहीं मिलेगा, खत्म होने वाला है। दोस्तों और ध्यान देना कि साल बीत गया, 2 महीने बस बचे हैं। दोस्तों अब तक इंटरव्यू क्रैक करना होता तो हो चुका होता। तो ज्वाइन द क्लासेस बिकॉज अब दे रहे हैं दोस्तों गारंटीड सिलेक्शन। ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों बिल्कुल मास्टर क्लासेस में बता रहे हैं। तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आपको सच में एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो फटाफट से मैसेज भेजिए दोस्तों। नॉट डिस्कस करते हैं के बारे में। ओके यहाँ तक देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पहले ही इंटरव्यू बहुत सारे निकाल रखे हैं, ठीक है। तो आई बटन में आके उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप। अनमोल हो गया, राइट, दिव्यांगना हो गई, दीपांशी हो गई, मनीषा हो गई, अभी न्यू एक्सपीरियंस और आएंगे दोस्तों। 15-20 स्टूडेंट और सेलेक्ट हुए हैं तो उनके भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आएंगे, राइट। कतर एयरवेज में कोई, एयर इंडिया एक्सप्रेस में कोई, विस्तारा में, अलग अलग जगह में। दोस्तों देख सकते हैं ये विस्तारा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज, राइट, ये है दोस्तों इनकी वेबसाइट। और अगर आप फ्यूचर में इनका क्रू का रिक्रूटमेंट का ये वैकेंसी निकाल लोगे दोस्तों तो आप इस तरह से दिखोगे, मेल इस तरह से दिखेंगे, फीमेल जो है इस तरह से दिखेंगी, राइट। ये है कमर्शियल स्टाफ, राइट। नॉट डिस्कस करते हैं वैकेंसी जो आई है, कहाँ के लिए, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या क्या चीजें आई है। करंट वैकेंसी में आपको यहाँ पे क्लिक मारना है। दोस्तों करंट वैकेंसी में क्लिक मारने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कैबिन क्रू में क्लिक मार देना है। बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि विस्तारा एयरलाइंस जो है इस बार इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ है क्लास 12th पास, मतलब विस्तारा एयरलाइंस क्लास 12th पास वालों को ही हायर करती है। तो अगर आप क्लास 12th पास हो दोस्तों तो आप एब्सोल्युटली एलिजिबल हो इस जॉब के लिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जो कि बस इंडियन नेशनल हो, विद पासपोर्ट हो उनके पास, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है। तो पासपोर्ट नहीं तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो,
इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों अच्छी स्किल्स है दोनों लोगों के पास, ठीक है। सो नेक्स्ट, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है फॉर फीमेल के लिए वो है 155 सेंटीमीटर एंड फॉर मेल के लिए वो कितनी है 170 सेंटीमीटर, दो रिक्वायरमेंट आती है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसमें 10 प्लस टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें एक क्रक्स ये है भाई कि 12th में चाहिए 60% जी दोस्तों। तो अगर आपके 12th में 60% नहीं है तो आप फंस जाओगे। इवन व्हेन इन माय डेज, इन माय अर्लियर डेज, आई हैव सॉ पीपल हुज जिनका परसेंटेज 59.9 था दोस्तों, 59.9। तो दोस्तों अगर 59.9% है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एलिजिबल नहीं होगा। एटलीस्ट आपके परसेंटेज 60 रहने चाहिए, मतलब 60 ही होने चाहिए, समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है दूसरे एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा एयरलाइंस, स्टार एयर, स्पाइसजेट। विस्तारा एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिन्होंने एक सर्टन बेंचमार्क रखा हुआ, लेकिन दोस्तों ये भी तो देखो यार, इसमें फीस भी तो नहीं ले रहा वो ट्रेनिंग फीस, तो इसका आपको ध्यान देना है, राइट। नो विजिबल टैटू, कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी पार्ट में कोई मार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों बीएमआई रेंज होनी चाहिए फॉर 18 to 22 फॉर फीमेल, 18 to 25 फॉर मेल। तो आई गेस सबको इतना समझ में आ गया। बात करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, क्या क्या। दोस्तों इसमें चीज और ध्यान देना कि जो इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल एटलीस्ट मिनिमम एज रहनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो रहनी चाहिए वो है 27 ईयर ओल्ड, तो इतने से इतने के बीच में। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमारी तो एज ज्यादा हो गई। दोस्तों अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है, 28 ईयर होगी, तो आप आकाशा एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी और भी ज्यादा हो गई तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीपल एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एज खत्म हो गई, विस्तार एयरलाइंस नहीं हायर करा ना, बाकी तो कर रही है ना भाई, समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी बात में शक है तो आप अलायंस एयर कर देख सकते हो रिक्रूटमेंट, वो जो है 35 साल तक हायर करती है। तो जिगरा होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। एयरलाइंस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लोगे तो आराम से किसी भी एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाल लोगे, चाहे दुनिया की कोई ताकत क्यों ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं इंटरव्यू कब और कहां कहां पे कंडक्ट हो रहे। दोस्तों देख सकते हैं दिसंबर महीने में 2 जगह इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं और नवंबर महीने में 2 जगह इंटरव्यू कंडक्ट। तो दोस्तों नजर बना के रख रहे नहीं है दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, ध्यान देना भाई इस चीज को, ठीक है। बहुत तगड़ी वैकेंसी आई हुई, जैसे 26 अक्टूबर का भी इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल आप मेरे अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो आप आराम से पुणे का इंटरव्यू निकाल लोगे। दूसरा नवंबर महीने का, दोस्तों हम कोशिश ये करेंगे जितनी जल्दी हो सके हमारे बंदे इंटरव्यू निकाले। मुंबई में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, नागपुर, तो मतलब इन द सेंस इंटरव्यू अब कम कंडक्ट हो रहे हैं, पहले इंटरव्यू बहुत ज्यादा कंडक्ट होते थे, धीरे से ये भी गायब हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो फटाफट दोस्तों क्लासेस ज्वाइन करिए जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों एक मेंटर अलग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवन इन माय डेज आल्सो, देखो जब बिना गाइडेंस के ना कुछ का कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, एक गाइडेंस एक मेंटरशिप होती है तो उसका अलग ही मजा है। और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस जो कि बिल्कुल गेम चेंजर रहने वाला, तो उसको भी ध्यान देना आपने, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हम टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली पुणे की वैकेंसी को और मुंबई और नागपुर की वैकेंसी को, मतलब क्योंकि इसलिए टाइम चाहिए था प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो वी हैव इनफ टाइम राइट नाउ, ओके, नाउ डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं वेन्यू कहां पे रहेगा, इंटरव्यू वेन्यू। दोस्तों यहां पे आपको क्लिक, यहां पे दो जगह दिया होगा, क्लिक हियर टू शेयर इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, यहां पे क्लिक मार देना आपको, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, दोस्तों एक डॉक्यूमेंट निकाले, दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म भरना है। बात करते हैं यहाँ पे, चीज ध्यान देना, भले नोटिफिकेशन में हर चीज रहती है, लेकिन यहाँ पे चीज खेल हो जाता है बंदों का, यहाँ पे फीमेल लिखा रहता है दोस्तों। तो ये रिक्रूटमेंट सिर्फ फीमेल के लिए, विस्तार एयरलाइंस ने दिमाग लगाना चालू कर दिया है। पहले विस्तार एयरलाइंस दोस्तों मेल फीमेल दोनों की हायरिंग करती थी, लेकिन अब वो नहीं कर रही है। विस्तारा में मेल क्रू बनने का एक ही तरीका कि विस्तार एयरलाइंस ज्वाइन करिए एज अ ग्राउंड स्टाफ, वहां पे इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू बन सकते हो दोस्तों, आप उसी एयरलाइंस में सब क्या करते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, वरना फिर दोस्तों मुश्किल है। तो विस्तार एयरलाइंस जो हायर करिए एब्सोल्युटली फीमेल की हायरिंग कर रही है, ओके। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना दोस्तों, राइट। रजिस्ट्रेशन करने सिंपल है, ऊपर आना आपको ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी लिख देना है, फुल नेम लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, जेंडर मेल फीमेल में फीमेल लिख दिया, मेल को तो ऑलरेडी नहीं बुलाएंगे वो लोग, ठीक है। अब ये जो है जहां जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट होना, 26 सेंटीमीटर पुणे का चूज कर दिया, ठीक है, ओके। नीचे 27 ईयर एज से कम हो, यस कर दिया। 12 परसेंटेज कितनी, 60% से अबव है, यस कर दिया। हैव यू एनी स्कार, नो कर दो भाई, ठीक है, यहाँ फंस जाओ नहीं तो। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दो। डू यू हैव बीन इंटरव्यूड विद केविन फॉर लास्ट 6 मंथ, अगर कर दिया दोस्तों अपना पीयर के, तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, यस करके दो सबमिट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नॉट डिस्कस करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो गया आपका, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा इंटरव्यू वेन्यू कहाँ। दोस्तों उसके आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना है, ओके। जैसे ही वहाँ पे क्लिक मार दोगे ना, तो यहाँ पे ऊपर आ जाना दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आने के बाद क्या होगा, केबिन क्रू किसी में भी क्लिक मार देना, भले मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको वेन्यू दिख जाएगा दोस्तों। तो मुंबई में इंटरव्यू जो कंडक्ट हो रहे हैं, राइट, मुंबई और पुणे में जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है, उसकी वेन्यू यहाँ पे है, फेयरफील्ड बाय मैरियट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे 9 अक्टूबर को हो गया शायद से, राइट। 26 अक्टूबर को जो है पुणे क्राउन प्लाजा सिटी सेंटर, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट है दोस्तों एट पुणे, एंड फॉर मुंबई अगेन फेयरफील्ड बाय मैरियट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो। तो गाइस आई गेस सबको अच्छी क्लैरिटी होगी, स्पेशली फीमेल। आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव डन लॉट ऑफ कन्वर्सेशन विद फीमेल्स, दोस स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन अवर क्लासेस। गाइस यू गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत से लोग करियर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेस चल रहे हो, बहुत से लोग की जिंदगी थम सी गई है। दोस्तों ये वैकेंसी जो है जिंदगी बदल सकती है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है दोस्तों, जिंदगी फिर से ट्रैक में आ सकती है आप लोगों के। दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है,
दुनिया ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलोगे, आपको अच्छा फील होगा, नए नए शहर में ट्रैवल करोगे, सर्विस करोगे, पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, लाइफस्टाइल बदलेगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, आपको ध्यान देना चाहिए वैकेंसीज के बारे में। और एक चीज और के बारे में, वो है कंप्लीट प्रिपरेशन टू बिकम कैबिन क्रू दोस्तों। फुल फ्लेज प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, लाइव बैठा के ट्रेन मारूंगा मैं खुद, मैंने खुद ने बहुत सारे इंटरव्यूज निकाल रखे हैं फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड फॉर कैबिन क्रू। मुझे ईच एंड एवरी सीक्रेट स्ट्रेटजी आई नो, ईच एंड एवरी सीक्रेट स्ट्रेटजी आई नो, ईच एंड एवरी सीक्रेट हैक, और मुझे पता है कि आप लैग कहाँ कर रहे हो और सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे दोस्तों। तो उसका अगर आंसर जानना है तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में, आवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यू। ओनली 30 स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग टू बैचेस राइट नाउ, अर्ली मॉर्निंग 8 टू 9 एंड इवनिंग 7 टू 8, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यू। इफ यू आर जेन्युइन स्टूडेंट एंड इफ यू वांट अ रियल लाइफ सिलेक्शन, तो गाइस फटाफट से मैसेज भेजिए एंड आई विल मेक इट टू चेक द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सिलेक्टेड। तब तक गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गाइस. Jain to all, see you in the crash course.